कहीं बाढ़ तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे बिहार के लोगों के लिए एक साथ दो दो अच्छी खबरें आई हैं। पहली अच्छी खबर प्रकृति ने दी है तो दूसरी केंद्र सरकार ने। पटना से सटी पुनपुन नदी का जलस्तर अब गिरने लगा है। पुनपुन के लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ जैसी स्थिति से दो चार हो रहे पटना वासियों की चिंता बढ़ने लगी थी। पुनपुन ने रौद्र रूप लेते हुए रिंग बांध को तोड़ दिया था, जिसके बाद पुनपुन का पानी पटना के सुरक्षा बांध पर दबाव बढ़ाने लगा था। आशंका थी कि अगर पानी ऐसे बढ़ता रहा तो पटना के सुरक्षा बांध को तोड़ देता और पुनपुन का पानी पटना पर कहर बनकर टूट पड़ता। पुनपुन का पानी पुल को छू रहा था, जिसके कारण वहां से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार भी कम कर दी गई। बाद में ट्रेनों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई। बाढ़ के कारण ट्रेनों के परिचालन अब तक सही नहीं हो पाए हैं। पटना गया पैसेंजर को पुनपुन से चलाया जा रहा है, कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है तो कई ट्रेनों के वो बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स ने बताया है कि शुक्रवार को श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का पानी 4 सेंटीमीटर तक बढ़कर खतरे के निशान से 301 मीटर के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन अब इसमें गिरावट आ रही है। तूफान की तरह बढ़ते पुनपुन के पानी ने इस प्रखंड की 6 पंचायतों पैमार, बहरावा, पुनपुन, लखना पूर्वी और पश्चिमी बहरावा पर कब्जा कर लिया। प्रशासन ने सभी गांवों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। पटना के डीएम रवि कुमार ने कहा कि सभी लोगों को रहने के लिए कैंप बनाए गए हैं। बिहार और पटना वासियों के लिए दूसरी अच्छी खबर केंद्र ने दी है। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित बिहार और कर्नाटक के लिए मदद का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से बिहार को 400 करोड़ रुपए की अग्रिम भुगतान की घोषणा की है। राज्य के चिंताजनक हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार के एनडीआरएफ के लिए अपने हिस्से की दूसरी किस्त को अग्रिम रूप से जारी करने का फैसला लिया। इसके तहत केंद्र सरकार राज्य को 213.75 करोड़ रुपए देगी। बिहार में बाढ़ और बाढ़ जैसी स्थिति के बीच 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र द्वारा घोषित की गई इस राशि का उपयोग राहत बचाव और पुनर्वास कार्यों के लिए होगा। केंद्र सरकार बिहार में बाढ़ और जल जमाव की स्थिति पर पैनी नजर रखी हुई है। शुक्रवार देर शाम को केंद्रीय टीम ने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी रमेश कुमार की अध्यक्षता में हालातों का जायजा लिया। केंद्रीय टीम राज्य के बाढ़ और जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके हालात का जायजा ले रही है। ये टीम रविवार को भी हालातों का जायजा लेगी। बिहार सरकार बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट केंद्र सरकार को पहले ही भेज चुकी है। ये टीम इन जिलों में बाढ़ से हुए नुकसान का रिपोर्ट का आकलन करेगी, साथ ही केंद्र की टीम पुनपुन की बाढ़ से प्रभावित इलाकों का भी दौरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।